पहले रुक कर लेते रायपुर का, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में आज भी हंगामे होने के आसार है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सवालों का सामना करेंगे। सहकारी संस्थाओं से गुणवत्ताहीन बीजों को बांटने का मुद्दा भी आज सदन में गूंजेगा। जनपद पंचायत में वित्तीय अनियमितता का मुद्दा भी गर्मा सकता है। जी 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 जी, ओमपुर गाँव है, वहाँ की जनसंख्या कितना है? और एक ही प्रश्न कर रहा हूँ, दो दो प्रस्ताव प्रस्तुत है तो कब तक आंगनबाड़ी खुल जाएगी? आपको बधाई भी दूंगी आदरणीय सदस्य महोदय, आपके प्रश्न काल अवधि तक वहाँ आंगनबाड़ी खुल गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। राम कुमार जी आप आइए। जी जी धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी ने पूछे रहे कि चंद्रपुर विधानसभा में खरीफ फसल एवं रवि फसल 2020-21 के सहकारी समिति में कौन कौन केंद्र में शिकायत मिले रही से गुणवत्ता बीज के, ओकर मुझे जानकारी मिल गए। माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। और बस एक ये कहना चाहता हूँ कि इधारी बीज भाथल थोड़ा बने वो भेज दिया कल ज्यादा, अबकी मैं कहना चाहता हूँ बस। धन्यवाद भी बोलिए, धन्यवाद भी बोलिए। जी जी धन्यवाद। हाँ चलिए, कुछ नहीं बोलते। प्रश्न क्रमांक 3, इंदु बंजारे। संतुष्ट हो गए, 4.5 साल बीता थे, बिहाव नहीं हुए, मंत्री जी मांग ले कर ले, कुछ बिहाव व्यवस्था होएगा कि चुनाव। ये किसका काम है? पंडित लोग का काम है, तू तुरंत देख लेना। वो हमारे पक्ष के आदरणीय साथी हैं, इतना चिंता तो प्रतिपक्ष को करना चाहिए ना। और वही चिंता से अवगत करा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो समझ लीजिए। माननीय राम कुमार जी अविभाजित जांजगीर जिले के अविवाहित विधायक है। अविवाहित विधायक हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिले की ही हमारे आदरणीय विधानसभा के आसंदी में बैठे हैं। और माननीय धरमलाल कौशिक के दुर्भाग्य से और आपके सौभाग्य से जांजगीर जिले के ही नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, इतना काम भी आप लोग नहीं करा सकते। चिंता इस बात की है माननीय चौबे जी कि आप विभाजित बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी एक कुंवारा है, कुंवारी है, आपके अविभाजित जांजगीर छापा में भी एक कुंवारा है, तो सरकार को चिंता तो करनी चाहिए। आप अपने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों की चिंता नहीं कर रहे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले, बलौदाबाजार भाटापारा जिले की चिंता इसलिए नहीं है कि वो जब खड़ी होती तब हमारे मामा जी पुनुराम मोहिले खड़े हो जाते हैं, लेकिन जांजगीर जिले की चिंता तो करना पड़ेगा ना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके गोत्रोत्र के बारे में राजिम भक्ति माता राजिम में मंच से घोषणा की थी कि इसके लिए खोजेंगे करके, तो इसको भी माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा में की गई घोषणाएं मान ली जानी चाहिए, विधानसभा में की गई घोषणाएं मान ली जानी चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं अध्यक्ष जी, मेरा काम दूल्हा खोजने के नहीं है, मेरा काम अपराधी खोजने के। चौबे जी कोई अच्छा अपराधी खोज दीजिए। सबके सामने कहा है मुख्यमंत्री, आपके मामा जी उनके दादाजी हैं क्या? चौबे जी, राम कुमार जी का कुंडली हम लोग मंगवाए हैं और हम और अध्यक्ष जी लगे हैं कुंडली मिलवा रहे हैं। आप वो शायद भूल गए, एक मिनट, कुंडली देखने का काम हमारा है, आप कुंडली मंगा और कुंडली मंगा के आप कर भी क्या लेंगे? हमने देखा है राम कुमार जी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। नहीं कार्य मंत्री जी, ऐसा भी हो सकता है राम कुमार जी का विवाह लड़की से नहीं होकर बचिया से हो सकता। आप जांजगीर जिले की तारीफ करते समय मानने भूल गए कि अध्यक्ष भी वहीं के हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वहीं के हैं और सचिव भी वहीं के हैं। सचिव के बारे में नहीं बोल पाए, ये सचिव भी वहीं के हैं। चलिए इंदु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा था उसका जवाब मुझे मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, शोभा राम जी बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कृषि यंत्रीकरण सब मिशन योजना के बारे में मंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं, मोला जवाब मिल गए। अरे वंडरफुल, लेकिन मैं एक प्रश्न कर रहा था कि सब मिशन योजना के में कर चयन प्रक्रिया का है, वो एक पंचायत में कितना किसान एकर से लाभान्वित होते?
पंचायत के आधार पर ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान अप्लाई करेगा और उसको प्रायोरिटी में हम लोग उसको उसको चयनित करते हैं। जी मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, ये योजना में डीबीटी के माध्यम से अगर डायरेक्ट किसान ला ओकर खाता में जाती पैसा तो हमार किसान मन ला जल्दी अच्छा से अच्छा सुविधा मिल जाती, इसमें आपसे निवेदन करा। सुझाव अच्छा है माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। चलिए मोहिले जी, आपके लिए सब छोड़ दिए क्वेश्चन, तो संतुष्ट हो जाना बे उम्र में, इस उम्र में आप लगे रहते हो, संतुष्ट हो जाओ आप भी। माननीय मेरा यह प्रश्न था कि सर्वे सूची में कितने गांव छूट गए और जानना चाहता हूं कि सर्वे सूची में 2011 में कितने मतलब हितग्राहियों का नाम शामिल किया गया और कितने गांव छूटे हैं, ये बताने का कष्ट करेंगे। सर्वे का आधार तो गांव नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, और बाकी चर्चा तो बहुत हो गई है इसमें, आवास के बारे में कितने नाम आए, कितनों को दिया गया, कितनी राशि दी गई, चार चार बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे ख्याल से। मेरा जी जी 2011 के सर्वे सूची में कितने हितग्राही आवास प्राप्त करने वालों का नाम शामिल किया गया, मैंने ये पूछा। अच्छा। कितने गांव उसमें छूट गए, इतने मैं आपको जानना चाहता हूँ। अब वैसे मेरा पूछने का मतलब मुगेली विधानसभा में 3 गांव छूटे हैं, तो उसका कोई कारण है ये बताना चाहे आप, आपके पास अगर जानकारी हो, ये मेरा कहना। और सर्वे सूची सर्वे में नाम गांव का छूटने का कोई कारण हो ये मैं जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में दे दीजिए। लेकिन लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा किए हैं कि जो छूटे हुए लोग हैं और पात्र लोग हैं, अप्रैल से 1 अप्रैल से हम उसका सर्वे कराएंगे। गांव का नाम आप अभी सदन के रिकॉर्ड में ला दीजिए, मैं समझता हूं वो नोट हो जाएगा, ऐसे पात्र हितग्राही कोई नहीं छूटेंगे। और सेनपुर का कहे करही रामगढ़ सेनपुर करही रामगढ़ सेनपुर तीनों एक साथ है कि अलग अलग है? अलग अलग गांव है। अब मेरा अभी तक आप माननीय अध्यक्ष जी टोटल प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने लोगों का नाम है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मामा भांजा वाला रिश्ता है तुम उनके आवास के लिए टोटल है, मामा भांजा है तुमने टोटल टोटल पूरा सर्वे लिस्ट में बहुत बार चर्चा हो गई माननीय नहीं मैं तो अलग से बोल रहा हूँ ना। उस सर्वे में 18 लाख के अधिक लोग नाम आए थे, 11 लाख लोगों को पात्र माना गया था, 8 लाख से कुछ अधिक लोगों के आवास बन चुके हैं, 3 लाख से कुछ अधिक लोगों का आवास शेष थे, 3,200 करोड़ से अधिक की राशि इस बजट में रखा गया है। उस सर्वे में पात्र 11 लाख सभी के आवास निर्मित हो जाएंगे, ये तो मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ। मैं तो वो वाले प्रश्न का तो मैं आपके आपको मैं जानकारी ले ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ टोटल कितने आवास अभी तक आवासहीन लोगों को सर्वे 2011 के जनगणना में शामिल किया गया ये सिर्फ मेरा जानना था। और दूसरा अगर और आप पूछें तो आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, आपने बताया मैंने 2019-20, 2021-22 और 2023 में मैंने प्रश्न पूछा था कितना कितना आवास स्वीकृत किया गया ग्रामीण, तो आपने जानकारी दिया है कि 2019-20 में 15,11,100, 2021 में 15,78,7,815, 2021 में 0 और 22-23 में 79,000, टोटल आपने 38,07,915 आवास स्वीकृत बताए हैं। और मैं आपसे ही जानना चाहता हूं उसमें टोटल आपने राज्यांश कितना दिया और केंद्र का राज्यांश कितना होता है बताने का, आपको देना बाकी कितना है। अध्यक्ष जी थोड़ा आंकड़े पढ़ रहे थे मामा जी, वो थोड़ा गलत था, 38 लाख नहीं है वो 3,87,000। लिस्ट अपने पास है, आपने उत्तर दिया मेरे पास है, और इसमें बता देता हूँ प्रधानमंत्री आवास में प्रपत्र ब में पीछे साइड को देखिए प्रश्न इसमें ने पीछे में आपने दिया है। जो है थोड़ा सा गणित में कमजोर है, अंक जो है जहाँ घटाना रहते घटाते नहीं। आप कमजोर हो, मैं नहीं हूँ, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोले, इधर गणित में सब कमजोर है, उधर गणित में सब तेज है।
इधर नोट गिनने में कमजोर है, उधर नोट गिनने में सब तेज है। 151,100 स्वीकृत आवास भारत सरकार का प्राप्त लक्ष्य। 2021 में 648,867 जिसमें स्वीकृत आवास 157,815। 21-22 में 781,999 लक्ष्य स्वीकृत आवास शून्य। 22-23 में 79,000 स्वीकृत आवास 79,000। ये जो लक्ष्य है ना माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को जोड़ने पे 16,00,000 होता है। और हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय सदस्य जब प्रश्न करते हैं इसी 16,00,000 में करते हैं। ये हर साल का लक्ष्य है, उसको जोड़ है वो 16,00,000। वो उतना आवास शेष नहीं है। और राज्यांश की जहां तक बात आपने पूछा है, 19-20 में 177,30,00,000, 20-21 में 155,80,00,000, 21-22 में 244,00,000 और 22-23 का तभी मैं आपको पहले से बता दिया हूँ। चलिए बाकी आप संतुष्ट हो जाइए मत जाके कमरे। माननीय मैं तो सिर्फ इसका प्रपत्र का जवाब दिया, इसमें मैंने आपको बता फिर पढ़ के बताना चाहता मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं गा, मैं कहा था तो 38,07,900 आवास ये लिखे हैं। मैंने लिखा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है, सीधा स्वीकृति लक्ष्य नहीं, स्वीकृत आप लोग आप पीछे साइड देखिए, जो मैं जो आपने जानकारी दी है उसी जानकारी में आप उसको पटल में रख, मैं पटल पे रख देता हूँ। बिल्कुल, हम आपको मंत्री जी अपने कक्ष में बुलाएंगे और पटल पे रखता हूँ। आपने जानकारी दी है उसमें सिर्फ आपने टोटल में 22-23 में सिर्फ 676,45,00,000 और बजट में इनका है एक आपने दिया शेष राज्यांश का 85-55 करोड़ का है, 85,55,000 का है, 22-23 में दिया है। उसके बाद वर्ष 23-24 में बजट में राशि शामिल है ऐसा मतलब का, इस कारण मैंने प्रश्न किया कि इन परिस्थिति पे मात इनका कम है तो अगर 38,07,900 आवास में टोटल राज्यांश कितना दिया, अब बजट कितना का जानकारी है, चलो जानना चाहता हूँ। ठीक है ना, रख दीजिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अरे भाई मेरे पास ये आप अध्यक्ष जी, ठीक है ना बाबा, ठीक है, बैठ तो मामा को बैठ तो तोर मामा है तो चाय वाय पिला संतुष्ट करने यार। अध्यक्ष जी गणित, अब गणित छोड़िए, गणित में बहुत तेज है वो। अध्यक्ष जी गणित में सही मैं बहुत कमजोर हूँ। वो तेज है ना, अब वो तेज है लेकिन 38,00,000 कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। नंबर एक वो छपे है वो। और नंबर दूसरा, मैंने पहले भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की व्यवस्था हमने की है। पात्र सारे आवासों को हम पूरा करेंगे और शेष जो बचा हुआ है अप्रैल माह में सर्वे शुरू करने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। चलिए सर मोदी आप खत्म करिए। माननीय अध्यक्ष जी अब हो गएगा, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसमें रिजल्ट कितना है, आपने भारत सरकार ने कैंसिल कितना किया आपके कहने और अपना जांच कितना नहीं दिया, तो मैं जानना चाहता। अध्यक्ष जी सरकार ने, भारत सरकार ने कितना वापिस किया वो भी आंकड़े में बता देता हूँ। 2021 में 491,052, 21-22 में 781,999। मैंने अपने मांगों के चर्चा के दौरान भी कहा, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम राज्यांश नहीं दे पाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गरीबों के साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया। हम आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने 7,99,000 फ्री में चावल दिया जा रहा था, ऐसे समय में केंद्रांश बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने। अध्यक्ष जी गरीबों को मिलने वाले आवास में दोनों साल हमने राशि राज्यांश नहीं दिया, इसलिए इतने
जो लक्ष्य दिया गया था 6,48,000 7,81,000। अच्छा बजट में तो 2,000 करोड़ प्रिंट है, आप कहां 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ बताते हैं। और जो 18-19 में इन्होंने कर्ज लेकर के आवास स्वीकृत किए थे उसको तो हम ही लोग पटा रहे ना, निर्माण भी हम ही कराए, पैसा भी हम दिए और कर्ज की राशि का अदायगी भी हमारी सरकार कर रही माननीय अध्यक्ष महोदय। एक प्रश्न मेरा, बहुत हो गए, जो आवास केंद्र सरकार ने वापस आपने कराया पैसा नहीं देने के कारण, उस आवास का राशि आप देंगे और जिससे लोगों का हित हो सके आवास को देंगे का, उसमें टोटल कितने लोगों को आपने वापस किया बता दीजिए और उस आवास को देंगे कि नहीं, यही हमारा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने बार बार कहा 11 लाख से अधिक पात्र लोगों में से जो शेष आवास का था वो पूरा मकान हम बना के देंगे, नंबर एक। और केंद्र सरकार से अभी भी हम मांग करते हैं, पहले आवास की योजना में 90% केंद्र देता था, 80% राशि राज्यांश का लगता था, अभी 60-40 कर दिया है। केंद्र सरकार गरीबों के प्रति उदार हो जाए, संबंधित नहीं और दे राज्य सरकार को पैसा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 90% 60% कर दिया, आप ये भी बता दो ना कि नीति आयोग ने जो 32% था उसको बढ़ा के 42% किया राज्य का हिस्सा, आप ये क्यों नहीं बताते। माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं ने अभी जवाब में कहा कि 21-22 में 7,88,999 मकान केंद्र ने स्वीकृत किए और ये राज्यांश नहीं दे पाए इसलिए वो पैसा वापस चला गया, आपने अभी मंत्री जी ने स्वयं ने जवाब में कहा। अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि 3,87,915 मकान बनने शेष है जिसको हम बनवाएंगे, मेरे पास मंत्री जी के उत्तर की कॉपी है जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 8 लाख के आसपास मकान बने और 8 लाख करीब मकान बनना बाकी, पूर्व मंत्री का जवाब है। कुल मिला के सरकार के जवाब में अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। प्रश्न करिए प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि केंद्र ने आपको 7,88,999 मकान जो स्वीकृत करके दिया उसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज किशोर केंद्रीय मंत्री का आपके यहाँ पत्र भी आया, बोलेंगे पत्र की काफी पटल पे रख दूंगा, उन 100% मकानों के लिए राज्यांश जारी करेंगे क्या ताकि सबका मकान बन जाए? ठीक अध्यक्ष जी, वो उस वर्ष का लक्ष्य था, उसके बाद और स्वीकृति हुई है इसलिए वो आंकड़े जो 7,81 के वो सही नहीं है। अरे 81-22 के बाद फिर से कह रहा हूँ, वो उस 21-22 का लक्ष्य था उसके बाद और स्वीकृत हुए हैं इसलिए वो आंकड़े अब सही नहीं है। अलग अलग समय लक्ष्य बदलते रहता है और हमने कहा जितने भी शेष है उनके लिए हमने बजट प्रावधान किया है, हम सारे गरीबों को मकान बना के। माननीय माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 7,88,999 मकान केंद्र ने दिए और उसके बाद बोलते हैं हमने उसके बाद तो आपने कुल स्वीकृत किया 79,000, आपने कुल स्वीकृत किया 79,000, आपके हिसाब से 7,10,000 मकान बचे रहने चाहिए, आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मेरा मंत्री जी से सिर्फ ये प्रश्न है, केंद्र ने 7,88,888 मकान जो स्वीकृत किए उसके बाद आपने 79,000 मकान स्वीकृत किए, शेष 7,10,000 मकान को आप स्वीकृत करेंगे क्या? वो लक्ष्य 21-22 का था, अब 23-24 की ओर जा रहे हैं, लक्ष्य बदल गया। 22 के बाद आपने स्वीकृति नहीं किया है, फिर बोलते हैं आप सबको हम आवास दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश की गरीब जनता का आवास छीनने वाली ये सरकार, चलिए बैठिए। माननीय धर्मजीत जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने पटल में रखने के लिए बोला, आपके ही प्रश्नोत्तरी सूची में आखिर में प्रशिष्ट संलग्न में ये उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिस बात को मैं फिर कह रहा हूँ कि 38,07,915 आवास प्रेस पूरा
चार वर्षों का आपने स्वीकृत आवास लिखा कि न कि लक्ष्य, इस कारण मैं आप सब आज को आप देंगे कि नहीं, मैं प्रश्न को पटल पे रखता हूं। पटल पे क्या बोल रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न में बताए थे अभी इसी सदन में 16 लाख आवास 19-20 से लेकर के 23 तक जो स्वीकृत किए गए थे उसमें 82,900 मकान बनाए गए, 82,916 लाख में 3 लाख को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी, तो 82,000 हटाने के बाद में जो अपूर्ण और उसके बाद तो जो बचा हुआ था 13,52,051 मकान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें आप उस दिन उत्तर दिए हैं, और उत्तर देने के बाद में आप प्रदेश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। 16 लाख प्रश्न पूछे ना, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। 82,000 में 3 लाख कैसे माइनस होगा, मैं समझ नहीं आ रहा। आपने बनाया 82,000 और 82,000 बनाने के बाद में आपका जो बचे हुए जो आवास है कुल आपने 82,000 बनाया 16 लाख में, और उसके बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य को आप पूरा करने के लिए बजट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों के प्रश्न ठीक है ठीक है, एक प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रश्न करिए ना सटाक से। तो जो 82,000 के बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 16 लाख में 82,000 आपने बनाया, और बाकी जो मकान बचे हुए हैं उसको आप बनाने के लिए इसमें प्रावधान करेंगे, पैसा देंगे, मकान बनेंगे क्या? अब कोनो पूछिए तो नहीं है कि देख तो थके। अरे हम पूछने वाले हैं, अब अब आप तो रहो बाचे छे का मामा। नहीं बाचे भाई, भाई प्लीज। अरे 4-5 बार तो कर दा रखा, हड़ताल गलत हो गया, अब का मान गए थे समझ लो। मैं बाचे साहब 7-10 हजार मकान। अरे सब तो हो गया ना, ओमन तुमन बजंगा है, जो जनगणना के ओमन जान नहीं भाई, उनको सबको आप देख क्या पसंद नहीं है। आपसे आग्रह है अध्यक्ष जी, 2011 के जनगणना में जितने नाम हैं वो छूट गए आपका, और है वो लिस्ट को पूरा करेंगे क्या? बस इतने अपना तो 15-15 लाख रुपए देते थे, कहाँ पे लाख किस्त बोल रहा अध्यक्ष जी? अभी 3 प्रश्न में 3 आंकड़े। माननीय धर्म भैया का प्रश्न था 13 लाख बचे हैं उनका क्या हुआ, आदरणीय शिवरतन भैया का प्रश्न था 16 लाख। मैंने उत्तर ही अलग अलग दिया, सब जगह उत्तर दिया, ये सारे आपके दिए गए उत्तर के संबंध में कोई अलग अलग नहीं बोल रहा। माननीय मंत्री जी, मेरा उत्तर आपके प्रश्न से था, आपने कहा कि 21-22 में 7,88,999 मकान की केंद्र ने स्वीकृति दी, हम राज्यांश नहीं दे सके इसलिए वो पैसा वापस चला गया। आपने उसके बाद 22-23 में 79,000 मकान स्वीकृत किया है, माने 7,10,000 मकान की स्वीकृति केंद्र ने जो पहले दी थी उसकी बाकी है। आप वो 7,10,000 मकान बनाएंगे क्या? मेरा पॉइंटेड प्रश्न है बिल्कुल, और आपके उत्तर से ही मैंने प्रश्न किया है, आपने जो उत्तर दिया उत्तर से ही मैंने प्रश्न किया है। चलिए, मैं कह रहा था अध्यक्ष जी, 3 आंकड़े तो आपके सामने आए, आदरणीय धर्म भैया ने 13 लाख कहा, आपने 16 लाख कहा। मैंने 16 लाख नहीं कहा, मैंने आपने जो प्रश्न उत्तर दिया उसी से मेरा प्रश्न है। आपने 87,88,999 मकान की 21-22 में स्वीकृति बताई तो कर लो, किसको क्या बात बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। मैंने 7,10,000 मकान आपको स्वीकृत करना है, जो आप नहीं कर रहे, मैंने आपके उत्तर से ही प्रश्न किया है। चलिए चलिए, आप सदन को घुमाइए मत, आप मिश्री लाल बने रहिए, जलेबी मत बनिए, मेरा निवेदन ये, मिश्री बियर है ज्यादा अच्छा रहेगा, जलेबी ना बने। तो बैठना रे भैया, ये 2 आंकड़े में बताया और तीसरा आंकड़े मेरे मामा जी ने 38 लाख का कहा, मैं खुद इस आंकड़ों में मैं खुद कंफ्यूज हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 38 लाख तक ये 38 लाख तक मैं संख्या कैसे पहुंचाऊं और कहां से रिकॉर्ड लाऊं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। माननीय आपको मैं आपको जो आपने जवाब दिया उसको मैंने पटल पर रख दिया, आप देखवा आपके प्रश्न पीछे देख लीजिए ना, आपके प्रश्नोत्तरी आपने दिया है, पीछे में आपने जवाब दिया है, आप प्रशिष्ट में आप उसी में आप देखवा लीजिए, आपके पास प्लीज प्लीज। चलिए चलिए खत्म करिए, धर्मजीत का नाम मैंने पुकार लिया, पॉइंटेड प्रश्न किया अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है, उसी में आपके पॉइंटेड में उसका उत्तर बता दीजिए मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया मैंने,
नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला हमने कई बार उठाया, लेकिन महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण मामला है इसलिए हम कई बार उठा रहे हैं। अब माननीय शिवरतन जी ने जो 2021-22 की बात की है और आपने स्वीकार किया है कि हमने राज्यांश उस समय नहीं दिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा ये बता दीजिए। अब अध्यक्ष जी ये थोड़ा परे जा रहा है, लेकिन राज्यांश का क्या होगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ को दे राशि है लगभग 38-40 हजार, देखिए ये तो घुमाने वाली बात है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री वो हमें मिलेगा, ये एक माननीय मंत्री जी घुमाने वाली बात है, स्वीकार किया है कि 21-22 में माननीय 7,88,999 मकान केंद्र ने स्वीकृत किए, हम राज्यांश नहीं दे पाए, स्वीकृत नहीं किए, लक्ष्य है मकान भाई, लक्ष्य है शर्मा जी, स्वीकृत ने माननीय अध्यक्ष कुछ है नहीं, शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी स्वीकृति नहीं है, आप बहुत एक प्लीज वो सक्षम है, प्लीज आप लोग बैठे यार, आप बैठिए, यदि कोई आपका अनुपूरक प्रश्न है तो मंत्री से करिए, उनका जवाब मत दीजिए, नहीं उनका जवाब आप नहीं देंगे, नहीं नहीं, अरे इसमें 22-25 मिनट चर्चा हो चुकी है यार, पूरा 4 बार चर्चा हो चुकी है, हड़ताल हो चुका है, काहे को आप परेशान हो रहे हैं, चलिए माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी ये 3,38,00,000 बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ एमरजेंसी टाइम 387 लिखा हुआ है, तो 38,00,000 बोलता है, चल अच्छा अच्छा चल, थोड़ा ध्यान तो रहे, कुछ भी बोल रहे हैं आप, खड़े हैं और मंत्री जी खड़े होकर दूसरे मंत्री उत्तर दे रहे हैं, ये प्रक्रिया है क्या, जवाब संयुक्त दोनों अच्छा मैं ये मंत्री अच्छा मैं क्या, चलो संयुक्त मंत्री जी, आपके चेहरे में ये मुस्कुराहट गरीबों का आवास छीन लिया इसके लिए है क्या, चलिए ना बात अपने आवास से वंचित होगा इसके लिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट है क्या, प्रश्न तो कर नहीं पा रहे हो, भाषण भर दे रहे हो, भाषण नहीं दे रहे हैं, अरे भाषण नहीं दे रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, चलिए प्लीज माननीय अध्यक्ष जी इसको बढ़ाइए आगे, गरम मत करिए इसका, खाली भाषण दे रहे हैं, प्रश्न आप कर नहीं रहे, प्रश्नकाल को ज्यादा गर्म मत करो भाई, आप संतुष्ट करिए मुस्कुराहट के साथ। अध्यक्ष जी आदरणीय शिवरतन जी को पहले भी मैं उत्तर दे चुका हूँ, 7,81,999 लक्ष्य दिया गया था, लक्ष्य बदलते रहता है, उसके बाद वाले साल और लक्ष्य बदला हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना दिया हूँ, उसको स्वीकृति क्यों मानते हैं, और मैं एक आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सुन लीजिए, आप बोले शर्मा जी लक्ष्य कितने अनुपूरक कर रहे हैं, कितने अनुपूरक कर रहे हैं, आप बोले नहीं मैं गिरिराज किशोर जी का, नरेंद्र तोमर जी का, सब मैं समझ रहा हूँ, आप कितने देता हूँ जो माननीय भूपेश बघेल जी को अनुपूरक कितने प्रश्न कर रहे हैं, ठीक वो बोले मैं पत्र की कॉपी, ठीक है ना, आप उनको दे क्यों नहीं सकते, आप ऑफिस में जाके नहीं दे सकते, आप कक्ष में जाके नहीं दे सकते, सब कर सकते हैं आप, आप तो विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ सर, आप विद्वान हैं, आप उनको जाके चाय भी पीजिए, मेरे पॉइंटर प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री से पॉइंटर दिला दीजिए घुमाने के बजाय, अध्यक्ष जी आप विद्वान आदमी हैं, आप जाके बात कर लीजिए, आपने माननीय शिवरतन जी को विद्वान कहा लेकिन आज वो कंफ्यूज है, अच्छा कंफ्यूजन, बार बार मैं उत्तर में कह रहा हूँ कि हमने राज्यांश उस साल का नहीं दिया, उसमें कौन सी बात है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, अरे भाई आपने स्वीकार किया ना, आप राज्यांश नहीं दे पाए, हाँ हमने तो बाकी के लिए राज्यांश देंगे क्या, मेरा प्रश्न यही है, आपने 79,000 के लिए राज्यांश देना स्वीकार किया है, तो 7,10,000 के करीब जो आवास बचते हैं उसके लिए राज्यांश देंगे क्या, यह पता तो बस मेरा तो पॉइंटेड प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी ये जिस वर्ष का लक्ष्य था हम राज्यांश नहीं दे पाए थे,
लेकिन शेष जो आवास है माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस साल बजट में प्रोविजन किया है, एक एक मकान हम गरीबों को बना के देंगे। चलिए धर्मजीत सिंह जी, 2 लाख के लिए आपने बजट प्रावधान किया है और 7,10,000 लोग वंचित है। धर्मजीत जी, आप प्रदेश की जनता को देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सब प्रश्न आ रहे हैं, बाकी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जो 21-22 का 7,10,000 मकान शेष रहे, राज्यांश नहीं मिलने के कारण शेष रह गया, गरीब वंचित रह गए। और इन्होंने जिक्र किया नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक फार्मा एक भरवा रहे हो और गिरिराज जी का, अरे हम तो टीएस सिंहदेव साहब के पत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं, हम तो उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने गरीबों के आवास के मामले में ये सरकार, अरे नेतागिरी नहीं, ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास को आप घुमा घुमा के बता रहे हैं, आप देना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर के सदन से बहिर्गमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, माननीय पद्धति जी, अध्यक्ष जी, धर्मजीत जी, 15 लाख लेकर यहाँ सीधा, धर्मजीत जी बैठने भैया, चल रहे धर्मजीत जी, तो चले गए ना। हाँ, तो मैं तो आपका नाम कब से पुकार रहा हूँ, मैं तो सर कई बार खड़े हो गया, पर नहीं, नहीं चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य आशय ये है कि मैं कुछ दिन पहले आपके उच्चाधिकारियों के संग गौठान के दौरे में गया था, 2 गौठान का निरीक्षण किया। वहाँ जो कुछ मुझे जो कमी या जो उनकी जरूरत थी वो दिखी, उसके सिलसिले में मैंने ये प्रश्न पूछा है। आप तो पहले ये मैं पूछ लेता हूँ कि 261 गौठान आप बना रहे हैं, जानकारी आ गई है, 6 गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क आप स्वीकृत कर रहे हैं, तो इसमें ये 6 कहाँ होंगे वो नाम बता दीजिएगा। और ये दुनिया भर का सब लिखे, मिक्सिंग चेस्ट, एजिटेटर, ट्रिपल डिस्क, ये अंग्रेजी वाला सब, तो ये क्या है थोड़ा अगर बता सकें, या बाद में दे देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये हमारे लोरमी में, पथरिया में और मुंगेली में, तीनों में 2-2 खुलेगा या कोई एक जगह ही एक ही ब्लॉक में खुलेगा ये, और सुन लीजिए ना आप, इकट्ठे ही बता देना मेरे। दूसरा, ये जवाब में लिखा है मछली बकरी पालन, मशरूम बाड़ी, बर्मी खाद, तो मैं बर्मी खाद, मशरूम, बकरी पालन, अंडा पालन तो देखा हूँ, ये मछली पालन कैसे होता है गोठान में, ये आज तक के मैं नहीं देख पाया हूँ, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा। फिर हाँ ये ही बता दीजिए, फिर मैं 2 अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैया ने जो बाकी जानकारी चाहिए है वो तो सारे उत्तर में दे दिया गया है, कहाँ कहाँ गौठान है, क्या क्या एक्टिविटीज है, कितना स्वीकृत है, कितना काम हो रहा है। आपने रीपा के बारे में पूछा है, मुंगेली विकास खंड के संबलपुर और लिम्हा, पथरिया विकास खंड के धरदेई और सिलतरा, लोरमी विकास खंड के चंदली और सावतपुर, मैं समझता हूँ ये दोनों आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रीपा का काम, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का काम, यहाँ के लिए दोनों गौठानों, ये 2-2 गौठानों का चयन किया गया है और प्रत्येक गौठान में रीपा के काम के लिए लगभग 2-2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आपने कहा लोरमी और चंदेली में गोबर पेंट इकाई की स्थापना हेतु जो राशि खर्च की जा रही, कौन कौन सा मशीन वशीन, क्या नाम आप बता रहे हैं? अब गोबर पेंट के लिए जो आवश्यक मशीनें वो खरीदी जा रही है वहाँ। मछली का तो बता दो, मछली कैसे पालते हैं बता दीजिए, मछली गौठान में कैसे पालते, कैसे पालते, गड्ढा खोद के पालते हैं मेरे ख्याल से। अध्यक्ष जी, हम अपने गौठान को कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं। आदरणीय धर्मजीत भैया ने स्वीकार किया कि मशरूम उत्पादन से लेकर बकरी पालन तक, अंडा उत्पादन का भी नाम आपने जिक्र किया, आपने स्वयं देखा है। अब मछली पालन के बारे में आप प्रश्न है, जहां गौठानों में माननीय अध्यक्ष महोदय हमें ज्यादा एरिया मिला है, 2 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए हैं, 5 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए, 10 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए हैं, तो जिन गौठानों में जगह उपलब्ध है, बार बार अजय जी कह रहे हैं मनरेगा के राशि से हम लोगों ने छोटे छोटे पॉन्ड्स का निर्माण किया है, तालाब का निर्माण किया है, प्रदेश में लगभग 1,50,000 महिलाओं के स्व सहायता समूह इन सारे कार्यों में लगी हुई है, तो कुछ समूहों के द्वारा कुछ गौठानों में बनाए गए
मनरेगा के तहत उन पॉन्ड्स में तालाबों में मछली पालन का कार्य कर रही है। ठीक है सर, उनका हो जाए खत्म, आपका मछली पालन खत्म हो जाए फिर। मैं चलिए, मैं तो देखा नहीं हूँ लेकिन मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप जांजगीर में सादर आमंत्रित हैं? हमारे यहाँ गौठान में मछली पालन हो रहा है मान। नहीं, मैं जांजगीर पहले देखेंगे, जांजगीर नजदीक है आपका, बहुत लोरमी में नहीं हो रहा है ना? अगर मुंगेली जिले लोरमी में होगा तो मैं देख लूंगा। वहाँ पर अध्यक्ष महोदय एक दुल्लापुर करके आदिवासी बाहुल्य गाँव है लोरमी ब्लॉक में, वहाँ के गौठान का निरीक्षण करने गया। वहाँ जो स्व सहायता समूह की माताएं बहनें जो थी, उन लोगों से मैंने पूछा कि आपके यहाँ मुर्गी का अंडा आप लोग कितना बेचते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया कि शुरू शुरू में जो गोदरेज का दाना आप देते थे, गोदरेज का सरकार के तरफ से, तो अंडे का उत्पादन ज़्यादा होता था। अभी जब से लोकल दाना उनको मिल रहा है तो अंडे का उत्पादन कम हो गया है। एक दूसरा, बर्मी खाद के लिए भी उनको पहले बोरी दी जाती थी, अब उनको बोरी नहीं देने से उनको पैसा ज़्यादा लगता है और बचत कम होती है। तो इन दोनों के बारे में आप विचार करेंगे क्या कि उनको बर्मी खाद के लिए बोरी दे सकें और मुर्गी के उत्पादन, अंडे के उत्पादन के लिए गोदरेज वाला दाना ज़्यादा कारगर है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? ये दाने से एकदम प्रोडक्शन घट गया है। चलिए, तो ये दोनों के बारे में आप जरा बता दीजिए, उसके बाद एक छोटा सा और प्रश्न पूछ लूंगा। ये इसके बारे में आप कुछ करेंगे? उसी में शामिल कर दो ना, छोटा सा प्रश्न है। नहीं सर, अगर वो दाना नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, महिला सहायता समूह को फायदा नहीं होगा। वो मुर्गी मुर्गा ऐसा दिखने उखने भर में ठीक है, लेकिन पैसा तो अंडे से आता है ना। चलिए, मैं ज्यादा कुछ अभी बोलना नहीं चाहता, बहुत समय देखा हूँ, लेकिन मैं तो आपसे चाहता हूँ कि उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए। आप दोनों दे दें, तो दोनों के बारे में आपका क्या विचार है आप बता। ये पहला वाला प्रश्न थोड़ा टेक्निकल हो गया माननीय अध्यक्ष, मैं उसको पूछना चाहता हूँ। अच्छा, उनसे पूछ लें। जो आपने पहले वो दिलाया उनको दाना, कौन सी कंपनी का? गोदरेज। एक दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्मी कम्पोस्ट के लिए जो छोटी सी बोरी देने की बात हो रही है, अब हमारे SHG की महिलाएं खुद उत्पादन कर रही हैं, खुद बेचती हैं, इसलिए उसको लिंक किया गया है। और तीसरा आपका प्रश्न था, अंडे का उत्पादन कम हो रहा है, या तो मुर्गियों के एज के कारण पहले ज्यादा देते होंगे बाद में कम देते होंगे, सभी यंग मुर्गियां या केवल फीट के कारण, उसको हम दिखवा लेंगे। सब यंग मुर्गियां उसकी जांच करा लीजिए, यंग है उम्र के कारण। अरे भाई, आप तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है माननीय, मुर्गी से पूछ ले कौन सा दाना खा के दाना नहीं, 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 फिर नहीं तो मैं किस्सा बताया था। मुर्गियों बात कर ले अध्यक्ष जी, आप नहीं थे, मैं समझ रहा हूं, मैं एक अंडे वाला किस्सा बताया। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, गोदरेज का जो फीड है वो 40 रुपए मिलता है जी, और आपका लोकल फीड 20 रुपए मिलता है, तो आधा तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो वही तो हो रहा है, एज के हिसाब से नहीं। और अध्यक्ष जी मैं एक दिन, आप नहीं थे अध्यक्ष महोदय एक मिनट सुन लीजिए, एक अधिकारी पोल्ट्री फार्म गया, बोले सब मुर्गियां अंडा दो और नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो सब ने अंडा देना शुरू किया, 6, 5, 4, तो सबको पीट थपथपाया, बहुत बढ़िया। आखिरी वाला एक मुर्गी अंडा दिया एक, तो उसको डांट पड़ी जैसा अभी हम लोग डांट रहे हैं, तो उस अधिकारी ने पूछा तू क्यों नहीं दिया ज्यादा अंडा, तो बोले सर मैं आपके डर में एक अंडा दिया हूं, वैसे मैं मुर्गा हूं। लेकिन विपक्ष वाले अंडा भी मुर्गी को नहीं देने दे रहे हैं। चलो ना, पूछो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न में रीपा में प्राकृतिक पेंट इकाई की स्थापना एवं गोबर पेंट निर्माण हेतु 24,16,000 की लागत से मशीन खरीदे गए हैं विभिन्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 6 गोठान का जो उल्लेख है उसमें इंस्टॉल हो गए हैं क्या ये, कि सिर्फ खरीदे गए हैं? और इंस्टॉल हो गए हैं तो कितने गोबर, कितनी लागत के कितने गोबर का उत्पादन हुआ, पेंट का की गोबर, पेंट का उत्पादन हुआ है या अभी इंस्टॉल होना है, एडवांस में खरीदी गई? चलिए ठीक है अध्यक्ष जी, ना केवल इंस्टॉल हो रहे हैं, उत्पादन प्रारंभ कर रही, दूसरा नहीं भी, आपके स्टाइल गड़बड़ है, प्लीज। अब प्लीज, मैंने ये कहा कि इंस्टॉल हो गए हैं क्या, और ये उन्होंने कहा कि हो रहे हैं, प्रीतम पेंट में उत्पादन कर रहे हैं। मैं प्रॉपर यहाँ के लिए जो प्रश्न में है उसमें पूछा कि खरीद लिए गए हैं,
तो इंस्टॉल हो गए हैं क्या, और इंस्टॉल हो गए हैं तो उत्पादन कितना हुआ है, कितने बेचे गए हैं, हो रहे हैं तो कहीं के उसमें हो रहे होंगे, मैं तो ये प्रश्न मैं उसका पूछ रहा हूँ। चलिए अध्यक्ष जी, माननीय अजय जी के साथ गोधन के कई चर्चा में गोबर का पेंट, गोमूत्र की दवाई सब पे चर्चा, कितनी राशि कितना सब कुछ हो चुका है, और माननीय धर्मजीत भैया क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, मैं अलग से आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए प्रीतम राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समाज कल्याण विभाग से ये जानकारी चाहा था, जिसका जानकारी मंत्री महोदय के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग से क्रय किया गया सामग्री एवं एजेंसी को किस आधार पर चयनित किया गया है, इसका जानकारी देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एजेंसी हमारी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एलेमको से क्रय किया जाता है, ये भारत शासन के द्वारा अधिकृत है, इसलिए हम लोग वहीं से खरीदते जी। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ कि जितने भी सामग्री क्रय किया गया है उनके मेक और मॉडल की जानकारी और कितने लाभार्थियों को उपकरण उपलब्ध कराया गया है, उसकी प्राप्ति की सूची क्या मंत्री महोदय बता सकती हैं? आपको कक्ष में उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद, आप कक्ष में उपलब्ध करा दीजिएगा। जी जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बोट घाट परियोजना को इसी कार्यकाल में हम प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने सदन में की थी या नहीं की थी? अध्यक्ष जी, दक्षिण बस्तर के लिए ये बेहद आवश्यक, और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ जिन अलग अलग बेसिन में हमारी परियोजनाएं हैं, महानदी बेसिन का काम हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत में जिस तरीके से महानदी में एनीकट बनाए गए थे, महानदी आ गए थे, अब बोध घाट गोदावरी बेसिन में जाना पड़ेगा, बेसिन में चलने देंगे, महानदी बाद में आइएगा, प्रश्न पूछेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, महानदी बेसिन में आपके कारण, आपकी सरकार के कारण जो ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट है, हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए। ये गोदावरी बेसिन का मामला है, हमारे हिस्से के पानी का हमको उपयोग करना है, इसलिए हमने ये योजना की शुरुआत की थी, और हम चाहते थे कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में लगभग 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर में इस योजना से सिंचाई प्रारंभ करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि हम इसका DPR बनाएंगे, उसके बाद इसका काम शुरू करेंगे, तो उसमें कोई नहीं की बात नहीं, हमने बजट में भी प्रोविजन इसके लिए रखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपने इस सदन में, माननीय रमन सिंह जी ने और मैंने, दोनों ने कहा था कि योजना आप प्रारंभ नहीं कर सकते, आप दोनों ने खड़े होकर कहा इसी कार्यकाल में इस योजना को हम प्रारंभ कर देंगे, पूरा कर देंगे, क्या आपने ये घोषणा की थी या नहीं की थी? और अभी महानदी बेसिन की नहीं, अभी गोदावरी बेसिन की बात चल रही है, उसमें कोई रोक नहीं। अध्यक्ष जी, नर्मदा बेसिन और दमका बेसिन में नहीं पहुंच रहे हैं, उधर भी आ जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। अध्यक्ष जी, DPR बनाने की बात हुई थी उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, कंप्लीट करने की ना 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 चर्चा हुई थी, कॉपी निकलवा के आपके पटल में रख देते हैं फिर से, जो चर्चा हुई थी, डॉक्टर रमन सिंह जी आप भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि आप DPR भी नहीं बना पाएंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम बनाएंगे और प्रारंभ करेंगे। ना ना, 30-30 साल से आप कोई काम नहीं कर पाए, पूरा करने की बात कहां से हो जाएगी? 60 साल में तो आप चलिए ना, सिंचाई के रकबे डबल करने की बात। शर्मा जी प्लीज, जो नहीं कर सकते वही बात तो आप लोगों ने कीजिए, रोना ये है। अब ये चर्चा का विषय नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 9-9 साल देश की
हुकूमत कर रहे हैं आप एक तो सिंचाई की बड़ी परियोजना नहीं दे पाए, नहीं कह रहे हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की बात यहाँ इस सदन में कही थी, माननीय ब्रिजमोहन जी के प्रश्न में उत्तर अभी आया है, मैं स्वीकार करता हूँ। और जिस कंपनी को हमने डीपीआर बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या इस योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? शुरू में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस योजना को केवल हाइड्रल पावर के रूप में शुरुआत किया गया था, तो पर्यावरणीय स्वीकृति इस योजना की प्राप्त हो चुकी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी को यह सर्वे का काम दिया गया है, उस कंपनी को क्या पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का राज्य का सिंचाई का पूरी योजना बनाने के लिए कोई काम दिया गया था? अध्यक्ष जी, इस समय आपने कहा ना कि पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, हाँ, तो उस समय पर्यावरण लागू ही नहीं था। पर्यावरण कानून 1980 में आया, प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय मोरारजी देसाई, जो करने आए थे इसका शिलान्यास। अध्यक्ष जी, माननीय ब्रिजमोहन जी ने इस कंपनी को पूर्व में भी और छत्तीसगढ़ में कोई कार्य दिया गया था क्या? इस कंपनी को तौंदला जल संवर्धन योजना का विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करने के लिए, जिसमें वन प्रकरण डीपीआर तैयार करना और केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने सहित कार्य 1,37,00,000 रुपए का 27/10/2010 मैं समझता हूँ आप ही जल संसाधन मंत्री थे, ये दिया गया। दूसरा, इसी कंपनी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए 5/9/2006 को लगभग 4,00,00,000 रुपए का कार्य दिया गया था। तो इस कंपनी ने क्या इस काम को पूरा कर दिया? और अगर पूरा नहीं किया तो फिर इसको ये दूसरा काम कैसे दिया गया, 10 सालों में भी काम पूरा नहीं किया? आदरणीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार की इसको नवरत्न कंपनी माना जाता है, बहुत चलिए इसको मिनी नवरत्न कह दीजिए, और बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने इस कंपनी की लगातार प्रशंसा की है। और जब भी पहले जो काम दिया गया था, वो पहली जो ये जो दूसरा काम दिया गया था 27/10/2010 को, उसको 10/11/2022 उसका भुगतान भी कर दिया गया है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन दूसरा काम जो उनको दिया गया था उसका आंशिक भुगतान हुआ है, लेकिन अभी उसके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ की पूरी जल योजना के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम उसको दिया गया, उसने पूरा नहीं किया, तो इस कंपनी को बिना टेंडर के ये 40,00,00,000 का काम कैसे दे दिया गया? और इस काम के संबंध में बिना टेंडर के दिया गया है, इस काम के संबंध में अकाउंटेंट जनरल ने क्या आपत्ति ली है? आज बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले जानकारी दिया कि पूर्व में इस कंपनी को दो दो काम हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन जी जब इधर बैठते थे तब दिया गया था। एक काम उन्होंने पूरा किया, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, दूसरा काम का प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया है। लेकिन मैंने कहा, जैसे भारत की बड़ी क्या रतन कंपनी इन्होंने कहा, उस टाइप की कंपनी है और देश में इसकी प्रतिष्ठा है, हम उम्मीद करते हैं, चूंकि ये बड़ी परियोजना है, केंद्र सरकार से हमें बहुत सारी अनुमति प्राप्त करना था, इसलिए इस कंपनी को ये बड़ा काम दिया गया। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि इस कंपनी को 41,00,00,000 रुपए का काम बिना टेंडर के दे दिया गया, जबकि इसने पूर्व में हमने जो यहाँ का मास्टर प्लान बनाने का काम दिया उसको आज तक पूरा नहीं किया, और उसमें भी वो 4,00,00,000 का काम था, 3,56,00,000 रुपए उसको पेमेंट कर दिया गया, परंतु आज भी वो कंपनी और मध्य प्रदेश में अमृत जल योजना के तहत वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, उसके बाद भी आपने उसको काम क्यों दिया और बिना टेंडर के क्यों दिया, और इसके बारे में एजी ने आपत्ति ली है कि नहीं ली है? मेरे पास में पत्र है,
9/2/2022 को अकाउंटेंट जनरल ने आपको पत्र लिखा है। मेरे पास से पूरी अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने उस कंपनी को जो काम दिया है ये काम पूर्व में हो चुके हैं। 1980 में जब इसका सर्वे हुआ ये सब काम हो चुके हैं, उसके बाद भी आपने और उसको 12 से 13 करोड़ रुपए आपने बिना काम किए पेमेंट कर दिया। तो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आपने बिना टेंडर के काम क्यों दिया, किस आधार पर दिया? और ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, वहां पर ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं है, नवरत्न कंपनी नहीं है, मिनी नवरत्न कंपनी नहीं है, ये वहां पर रजिस्टर्ड है, हम भी इनपैनल करते हैं। तो ब्लैकलिस्टेड होने के बाद और पूर्व का काम पूरा नहीं करने के बाद भी इनको बिना टेंडर के काम कैसे दे दिया गया? मेरे पास से पूरी रिपोर्ट है अकाउंटेंट जनरल की। मैं आपको चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी मैं पटल पर रख दूंगा। अध्यक्ष जी, एजी के ऑडिट में सारे इस प्रकार की चिट्ठियां आती हैं, पैरा बनते हैं और ऑडिट का निराकरण किया जाता है, ये सतत प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रिजमोहन जी के पास जो चिट्ठी है वो सरकार के पास भी है, और दूसरा पहले भी आपने इसको काम दिया था, आज भी हमने इसको काम दिया है, और तीसरा आपने कहा ये भारत सरकार की कंपनी नहीं है। हमारी जानकारी में है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मिनी नवरत्न कंपनी में गिना जाता है। और चौथा आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये ब्लैक लिस्टेड है, अभी ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं। पर सरकार के पास में ऐसी जानकारी, मैं ये पहला प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये चौथा प्रश्न है। चार बार मैं इसी विधानसभा में और मैं इस बात को बता चुका हूं कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और अकाउंटेंट जनरल ने इसमें आपत्ति की है। और माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यावरण स्वीकृति में इस बात को कहा गया है कि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद भी आपने और मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा कैसे की कि हम इतनी सिंचाई करेंगे जितनी जमीन के बारे में आपने कहा है, उतनी जमीन तो वहां पर है ही नहीं। उसके बाद में आपने फर्जी उस कंपनी को खाली फायदा पहुंचाने के लिए आपने 40 करोड़ में 12 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे क्या? मैंने जितने प्रश्न उठाए हैं आप उसके बारे में जांच करवाएंगे क्या? और पूरे छत्तीसगढ़ को आपने गुमराह किया कि बोध घाट प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे इसी सत्र में, और खड़े होकर दावे के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने कहा था। अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है, 12 महीने में सर्वे रिपोर्ट वो नहीं दे पाए हैं, फिर से आप समय बढ़ा रहे हैं, तो ये आप आदिवासियों के साथ में क्या मजाक कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, अब ये जानकारी आदरणीय ब्रिजमोहन जी के पास कहां से आ गया कि केवल ये हाइड्रल प्रोजेक्ट बन सकता था, इसमें इरिगेशन नहीं हो सकता? ये तकनीकी काम है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये टोपोग्राफिकली अध्ययन किया जाता है कि कितने सिंचाई की उपयोग इस पानी का हम किया जा सकता है। हम चाहते थे कि हाइड्रल प्रोजेक्ट के साथ साथ उस पानी का उपयोग हो, और बस्तर में अगर हम जल का उपयोग नहीं करेंगे तो आखिर माननीय अध्यक्ष महोदय सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे संभव है? और दूसरा आपने कहा इसमें जांच की जरूरत है, मैं समझता हूँ आपकी सरकार ने भी 5-5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके इनको काम दिया था, ये वही कंपनी है और इसको हम लोग मानते हैं भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पत्र रख देता हूँ सदन के पटल पर, आपकी अनुमति होगी तो। 5 फरवरी 2004 को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। मेरे एक प्रश्न, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं आपके विभाग के लोग, मेरे ही प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है। वो प्रश्न की डेट और तारीख भी मैं बता देता हूँ, मेरे पास में ये है 5 फरवरी। चलिए आप उसको, आप तो उसको रख रहे हैं ना पटल पे रख रहे हैं ना आप उसको, आपके मैं पटल पे रख रहा हूँ। रख दीजिए, मैं माननीय मंत्री जी से कि पूरा आप रख दीजिए, सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 41 करोड़ का पेमेंट करने के लिए, और आपने उस कंपनी को वेबकास्ट को ये काम दे दिया, ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, केंद्र सरकार की कंपनी नहीं है। बार बार आप पहले भी ये उत्तर दे चुके हैं कि ये केंद्र सरकार की कंपनी। अरे अध्यक्ष जी ने बोल दिया आप पटल पे रख दो, रख दो, देख लिया जाएगा। चलिए शैलेश पांडे जी, हो गया, खत्म करो। अध्यक्ष जी, ये पूरे छत्तीसगढ़ को गुमराह करने वाला, कोई गुमराह नहीं कर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया ना, पटल पे रखो ना, तो उसका आप पटल पे रख दीजिए ना, फिर आएगा, फिर पटल में रख दो, खत्म करो, अगले बार फिर प्रश्न पूछ लीजिए, आप चार बार पूछ चुके हैं, अगले बार आप भी और पूछ लीजिए। 5 फरवरी 2004 को पर्यावरण विभाग के द्वारा जो स्वीकृति दी गई, उस स्वीकृति में क्या इस बात का उल्लेख नहीं था कि इससे सिंचाई नहीं हो सकती, खाली हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है? उसके बाद भी आपने सिंचाई की योजना क्यों बनाई,
और इस सदन को और पूरे प्रदेश को गुमराह क्यों किया? दो मिनट बाकी सर, उसको पूछ ले। माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी विभाग का ये मत है कि इस योजना से बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सिंचाई हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बार बार अगर हो सकती है तो चार साल से आप क्या झक मार रहे हैं क्या? अरे क्या झक मार रहे पटल भाई, झक तो आप मार रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, विलोपित करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विलोपित करें। माननीय अध्यक्ष जी, जब इनके समय इसको टेबल पे खड़ा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेबल पे खड़ा करिए, जब इनके टेबल पे खड़ा करिए। इनको कितनी सिद्धांत था और हम बेईमान हो गया। एक कंपनी को फायदा, पहले चोरा कंपनी का फायदा, ये चोरों को काम दिए थे 10 करोड़ उस समय फायदा था। और हमारी सरकार ने किस कंपनी को सर्वोच्च काम दिया तो बेईमान हो गया। क्रिस्टल कंपनी होने के बाद भी काम देने का उसको शुरुआत इन लोगों ने किया। मुझे ये बता दे कि वो कंपनी अगर काम दे के अब ईमानदार हो, सिंचाई नहीं हो, छोटा लोगों को काम दे के इसका सर्वे क्यों करा रहे हैं? जब पूर्व से पूरी 1980 से ये योजना में काम चल रहा है और पूरा सर्वे हो गया और सर्वे होकर सब डाटा है, उस डाटा के बाद भी आपने काम शुरू करने की बजाय इस कंपनी को काम क्यों दिया? अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मुख्यमंत्री जी, पत्रों का पटल पर रखा जाना।